अख्तर की ना, तो तुम टेंशन ही ना लो, सारा दिन मेरे पल्लू के साथ बंधा रहता है। मैं बोलती हूँ शाम तो शाम, मैं बोलती हूँ सुबह तो सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उससे कहना तुझे कहीं घुमाने को लेकर जाए। जाएगा ना लेके, तो आप मौसम बेहतर हो जाएगा, खूब घूम फिर के आएंगे। अच्छा बेटे को तो कभी नहीं कहा कि बहू को कहीं घुमाने ले जाओ, सारा दिन घर में अकेली लुढ़कती रहती है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है, बस जरा ये जख्म भर जाए फिर देखना तुम्हें सैर कराएगा आपको। जख्म जख्म जख्म, जब से मेरी शादी हुई है ना, इस जख्म का अलाप सुन सुन के मेरे कान पक गए। अब तो ऐसा लगता है कि जख्म मेरी जिंदगी का नासूर बन गया है। एक वक्त का खाना भी इंसान सुकून से नहीं खा सकता यहाँ पे बैठ के, जिंदगी हराम करती मेरी। कैसे मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है, नासूर बने इसके दुश्मनों के। जल रही है मुझसे, ऐसो को ना और जलाना चाहिए, हमें क्या जलती रहे। अच्छा तू बता, खासा खराब हो चुका है, आप केयर नहीं करते। जो डॉक्टर कहता है वो करता तो हूँ, और क्या करूँ, दवाइयाँ खा खा के बेजार हो गया हूँ, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है आप इंतजार करें, पहले डॉक्टर साहब आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद में आपके बैंडेज करूंगी। वैसे मुझे ये मामला अच्छा खासा खराब नजर आता है। क्या मतलब? फिलहाल मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, आप डॉक्टर साहब का इंतजार करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ जाए सर। आपने जहमत क्यों की, मुझे बुला लिया होता। नहीं इट्स ओके, आज आप जल्दी ऑफिस आ गई थी। जी लाभ को लेने फाइज की वालदा ने आना था। और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। रात ऐसी ख्वाबों से लड़ते झगड़ते गुजर गई। इंसान बहुत नाशुक्र है, हाल खुशगवार और अच्छा हो तो माजी में जाकर उदास और रंजीदा रहता है। ठीक कहा आपने। आपने फाइज के मुतालिक नहीं पूछा उनसे कि वो कहाँ है? लाइबा ने सवाल पूछा था मुझसे। क्या जवाब दिया आपने? यही कि अब मुझ में हिम्मत बाकी नहीं रही, जितनी जिंदगी जाया होनी थी हो गई, अब मुझ में हिम्मत नहीं है चंद अल्फाज जाया करने की भी। और जो सारी रात ख्वाबों से लड़ते झगड़ते माजी का हिसाब किताब करते गुजर गई, उसका क्या? एनीवेज मैं सिर्फ ये कहने आया था कि आज रात का इवेंट काफी इम्पोर्टेंट है और एक ब्यूरोक्रेट है, उनके बेटे का रिसेप्शन है, हम दोनों का वहाँ होना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं अबू को कॉल करके बता दूंगी कि आज मुझे वापसी पे देर हो जाएगी। और ये जो देर सवेर हो जाती है आपके फादर माइंड तो नहीं करते? मुझसे ज्यादा एतबार करते हैं आप पे। माँ का भी यही हाल है, शी एडोर्स यू। उनका बस चले तो आपको घर ले आए। शाम को इवेंट पर मुलाकात होती है।